एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बैठक के दौरान व्यापारी बंधुओं से विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर व्यापारियों ने भी अपनी समस्याओं को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के समक्ष रखा। व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के पश्चात एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने संबंधित लोगों को व्यापारियों की समस्याओं को अविलंब निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही व्यापारी बंधुओं से कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के आदेशों का पालन करने के लिए भी आग्रह किया। इस अवसर पर AAHTU प्रभारी अजीत प्रताप सिंह सहित अन्य व्यापारी बंधु मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, लेकिन अगर योजना सही नहीं हो रही है, निष्पक्ष नहीं हो रही है, मेरा कहना यह है उसमें धाराओं का अल्पीकरण नहीं किया जाए ना। हाँ, वही मैं इसलिए कह रहा हूँ धाराओं का अल्पीकरण ना हो। और जब 308 का था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? सीओ साहब भी करते हैं, उसके ऊपर जो एडिशनल एसपी है वो भी करते हैं। छोटी सी घटना को लेकर बहु अपेटी की हत्या हो गई, तो सभी सही बात है। हम समझ ही रहे इस बात को। अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये वहाँ को बेचना सर से संतुष्ट नहीं है, इतना बड़ा अपराधी है, इतना माफिया है, इसमें कहीं और से बेचना हो जाए, अगर वो लीफा पति करा दीजिए करा दीजिए नहीं, उसमें आप लोग लेना पड़ेगा। आप इतना अगर आप इच्छुक हों दूसरे जगह से ये यही है, तो हम तो अपनी बात अड़े भी रहेंगे। आप भी बात और उच्च स्तर ले जाएंगे तब सा आप सब जलाइयों से जाँच कराएगी वहाँ जो हमको बात कर रहे थे। आज भी जो योजना से संतुष्ट नहीं है ना, तो जो आपको बताएं सबसे पहले हमारे SSP साहब से मिल लीजिए। अरे आपके तरफ से मिल लीजिए, नोटिफिकेशन का मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, इतना चोट लगा है इसमें पूरे, उसमें आप सुन लीजिए, मैंने आपको उसकी बात लिखा है 323-25 पुलिस के धारा लगाया है। आज ये व्यापारिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग चल रही है और ये उच्च स्तर के आदेशानुसार प्रत्येक माह हम लोग यहाँ मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिसमें जनपद गोरखपुर के व्यापारीगण इसमें सम्मिलित होते हैं। ये मीटिंग परंपरागत तरीके से हर महीने होती है और आज ये मीटिंग अभी चल रही है, तो पिछले मीटिंग के बारे में अभी चर्चा किया जा रहा है और इस मीटिंग में जो नए बिंदु आएंगे उसको भी नोट किया जाएगा। तो व्यापारियों से के सुरक्षा से संबंधित ये मीटिंग है। सर, इस मीटिंग में कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे भी आए हैं जिससे व्यापारियों को दिक्कत हो रही है? नहीं, अभी मीटिंग प्रारंभ हुआ है, तो पिछले जो मीटिंग का कार्यवृत्त था, कार्यवृत्त के संबंध में चर्चा हो रही है। पिछली बार जो शिकायतें आई थी उसमें कितना समाधान हुआ, कितने अभी मामले लंबित हैं, अभी इन्हीं सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो नए मुद्दे आएंगे, नए मुद्दों को भी नोट किया जाएगा। समन्वय बना के और आगे कार्य करने के लिए कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर जो भी जानकारियाँ मिलेंगे तो उसको संबंधित को बताया भी जाता है। जैसा भी एक मामला भी गगा थाने का ही है, इसी बारे में चर्चा हो रही है, एक वेचना के संबंध में है। तो थाना गगा से जानकारी भी किया ही जा रहा था, तो इसी तरह से समन्वय बना करके बताया जाता है कि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ में के पटल पर ये बात सामने आई है और इसमें अद्यतन स्थिति की जानकारी की जाती है और यथाशीघ्र इसका समाधान हो सके, न्यायोचित समाधान हो सके, यही प्रयास रहता है इस फोरम का। सर, कोरोना के भी मरीज की संख्या शहर में बढ़ रही है, लेके भी व्यापारी बंधुओं को कुछ निर्देश किया है? नहीं, बराबर ये इसके बारे में हम लोग अपना चर्चा में ये भी इसके बारे में भी चर्चा होती है और मई महीने में विस्तृत चर्चा हुई, मई महीने में, जून महीने में भी बराबर इसके संबंध में अपने जब इनका जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है इसका संचालन कैसे करेंगे, क्या क्या शासन ये प्रशासन का दिशा निर्देश समय सब जो मिलता है, जो भी महत्वपूर्ण बातें रहती हैं, तो इस फोरम के माध्यम से भी व्यापारिक गतिविधियाँ चलाने में, बढ़ाने में उसका भी ध्यान देने के लिए कहा जाता है।